बहुत ही सावधानी से जो है ये लोग आ रहे हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए। जिस तरह से लोग सावन में जाते हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए, ठीक उसी तरह से देखिए यहाँ भी लोग, तो इधर बहुत से माता बहनें आए हुए हैं और देखिए किस तरह से नंबर में लगे हुए हैं और देखिए कितना मतलब प्रसाद खाने के लिए देखिए उतावला हो रहे हैं। और ये देखिए ये लोग खीर पूरी का आनंद ले रहे हैं। श्री पंचमी के महाशिवरात्रि शिवलिंग पर बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक किया जा रहा है। ठीक इसी तरह से देवघर में सावन के सोमवारी को बाबा भोलेनाथ प्रेम भक्ति भाव से ऐसे ही जल दूध से नहलाया जाता है। ताकि अभी आप देख सकते हैं वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो भी बहुत ही खास होने वाला है। तो अभी हम बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट और ये सांख बड़ी सांख है और यहाँ जो हर साल की भांति यहाँ हर साल मेला लगता है और यहाँ श्री पंचमी के दिन आज बाबा भोले का जल चढ़ाने के लिए ये लोग आए हैं। देख सकते हैं कितना हजारों हजार की संख्या। देखिए बहुत ही माँ बहनें जो हैं अभी बाबा को जल चढ़ाने के लिए नंबर में लगे हुए हैं। तो चलिए हम आपको साइड से दिखाते हैं कि साइड का नज़ारा कैसे। तो अभी आप देख सकते हैं जिस तरह से लोग देवघर में जल चढ़ाने जाते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ भी लोग जल चढ़ाने के लिए आए हैं। और देख सकते हैं किस तरह से नंबर में लगे हुए हैं, वो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। कितना हजारों हजार की संख्या में जुड़कर जो है बाबा भोले का जल चढ़ाने के लिए आए हैं, वो अभी आप देख सकते हैं। ये जो है इधर एंट्री गेट है और उधर से लोग आ रहे हैं। और ये देखिए इधर किस तरह का नज़ारा है, अभी आप देख सकते हैं। देखिए है माता का दर्शन करने के लिए आए हैं ये लोग और यहाँ बाबा भोले का जल चढ़ाने के लिए आए हैं। देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है। अभी हम आपको एक एक करके दिखाते हैं कि आगे का नज़ारा। अभी हम मंदिर के भीतर हैं और देखिए भीतर का नज़ारा कैसा है वो हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं वो साइड से जो है बहुत ही माता बहनें जो है भाई बहन जो है वो अंदर की ओर आ रहे हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सावधानी से जो है ये लोग आ रहे हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए। जिस तरह से लोग सावन में जाते हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए, ठीक उसी तरह से देखिए यहाँ भी लोग बाबा का जल चढ़ाने आ रहे हैं। और देखिए कितना हजारों हजार की संख्या में जुट कर जो है ये लोग बाबा को जल चढ़ाने के लिए आए हैं, वो हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं बहुत ही भीड़ लगा हुआ है। अभी मंदिर परिसर में है और हम आपको भीतर का नज़ारा दिखाते हैं, भीतर का नज़ारा कैसा है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये देखिए जलने वाले जलते रहेंगे, हम महाकाल के भक्त हैं बाबा, ऐसे ही सब पर दया दृष्टि बनाए रखे, हर साल हम आते रहेंगे आपके चरणों में जलाभिषेक करते रहेंगे। ये देखिए मंदिर का हाइट देखिए कितना ऊंचाई में बनाया गया है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए बहुत ही बड़ा मंदिर है, यहाँ बड़ा मंदिर है। श्री पंचमी के महाशिवरात्रि किस तरह से शिवलिंग पर बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक किया जा रहा है, ठीक इसी तरह से देवघर में सावन के सोमवारी को बाबा भोलेनाथ को प्रेम भक्ति भाव से ऐसे ही जल दूध से नहलाया जाता है। अभी आप देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा है बाबा भोलेनाथ की नगरी में। और यहाँ मंदिर परिसर में क्या क्या चीज़ है वो मैं आपको सारा चीज़ दिखाता हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं इधर भी आप देख सकते हैं ये माँ शारदे सरस्वती माँ का मंदिर है और यहाँ देख सकते हैं अभी सरस्वती माँ विराजमान है। अभी हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि अंदर का नज़ारा कैसा है। देख सकते हैं यहाँ भंडारा चल रहा है और यहाँ बहुत सा भीड़ लगा हुआ है और यहाँ प्रसाद खाने के लिए मार हो रहा है। तो चलिए हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि अंदर का नज़ारा कैसा है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है और यहाँ किस तरह का नज़ारा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखिए इधर भंडारा लगा हुआ है, इधर खीर पूरी चढ़ा हुआ है, ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये सभी जो है इसमें खीर पूरी तस्मय बना हुआ था, अभी आप देख सकते हैं ये सभी खाली हो गया। और ये देखिए इधर, ये देखिए इधर तस्मय बना हुआ है, अभी आप देख सकते हैं। और ये देखिए इधर भी है और ये देखिए इधर भी, ये सभी खीर पूरी है। और यहाँ देख सकते हैं ये, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं इधर बहुत से माता बहनें आए हुए हैं और देखिए किस तरह से नंबर में लगे हुए हैं और देखिए कितना मतलब प्रसाद खाने के लिए देखिए उतावला हो रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही हजारों हजार की संख्या में जुट कर जो है ये लोग खीर पूरी का आनंद ले रहे हैं। यहाँ हर साल की भांति जो है श्री पंचमी के दिन जो है सरस्वती पूजा के दिन यहाँ भीड़ लगता है काफ़ी, अभी आप देख सकते हैं। तो अभी हम जिधर झूला लगा हुआ है उधर आ गए हैं और झूला का नज़ारा कैसा है वो हम आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं इधर बहुत ही बड़ा बड़ा झूला लगा हुआ है, तो चलिए हम आगे चल के दिखाते हैं आपको कि झूला का नज़ारा कैसा है। आज 26 जनवरी भी है और बहुत ही खुशी का दिन है, आज 26 जनवरी है और आज ही सरस्वती पूजा है और इस दिन जो है
माता का दर्शन और यहाँ बाबा भोले का दर्शन करने के लिए हजार हजार की संख्या में जुट कर यहाँ बाबा भोले का जल चढ़ाने आते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो हम आपको मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय सरस्वती मैया।